हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 नए नोटिफिकेशंस। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर भी आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में जो 5 नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसमें से 2 नोटिस UGC की तरफ से जारी किए गए हैं। दोस्तों, उसमें से एक ऐसा नोटिस है जो कि कॉमन है, उसके अलावा दूसरा एक ऐसा नोटिस है जो कि हो सकता है कि इग्नू माने या फिर ना माने। अगर इग्नू मानता है तो आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा हो सकता है, और अगर ना माने तो उससे आपका घाटा हो सकता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आपके जनवरी 2021 सेशन के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए, और इसके लिए लास्ट डेट दी गई है 15 जनवरी। इसके बारे में मैं इसे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसके लिए अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर, लेकिन दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सितंबर अक्टूबर में अपने एग्जाम्स दिए थे, या इससे पहले आप टर्म एंड एग्जामिनेशंस में अपियर हो चुके और आप उन सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार अपना एग्ज़ाम फॉर्म का सबमिशन स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो पहले यहाँ पे आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते थे, कोर्स कोड सेलेक्ट करने होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज कर दिया गया, कोर्स कोड्स फॉर विच अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर टर्म एंड एग्जामिनेशंस, फी एट 150 रुपीज़ पर कोर्स। अगर आप पहले किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या फिर आप उसके लिए फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं, तो ही आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, तो वही आपका एग्जाम फॉर्म दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। हालांकि आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिर से फिलअप करना है, लेकिन आपको एग्जाम फीस देने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि है आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड। क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, लेकिन आपका सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के लिए एक बार अपने रीजनल सेंटर को ईमेल कर दीजिए कि आपके असाइनमेंट्स का सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, या फिर आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं हो पाए, या तो उनकी तरफ से इसके बारे में एक्शन ले लिया जाएगा, या फिर दोस्तों, आप अभी 15 दिसंबर से पहले अपने असाइनमेंट्स फिर से जमा करवा दीजिए। जो असाइनमेंट्स आपने जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए जमा करवाए थे, वही असाइनमेंट्स आपके दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए भी वैलिड रहेंगे। आप उनकी हार्ड कॉपीज़ अपने स्टडी सेंटर्स पर जमा करवा दीजिए, या फिर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से अगर आपके असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन फिर से जमा करवा दीजिए। और दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सभी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं आपके जो नोटिफिकेशंस UGC की तरफ से जारी किए गए हैं उसके बारे में। दोस्तों, UGC की तरफ से कल की तारीख में 3 दिसंबर को 2 नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें से एक नोटिस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD या फिर MPhil कर रहे हों। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स को अपने थेसिस जमा करने होते हैं, उसके लिए जो पहले लास्ट डेट दी गई थी 30 जून, उसे बढ़ा दिया गया था 31 दिसंबर तक। और दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो 31 दिसंबर तक की जिनके लिए लास्ट डेट दी गई थी, जो नेक्स्ट सेम के स्टूडेंट्स थे, उन सभी की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक कर दिया गया। दोस्तों, आप ये नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स MPhil या फिर PhD वाले हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, अभी बात करेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के ऊपर असर डालने वाला है। हो सकता है कि बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर इसका ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए अगर ये लागू नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर 6 महीने का लॉस हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपके एडमिशन्स जो कि जुलाई 2020 सेशन के थे, इग्नू की तरफ से बंद कर दिए गए। 30 नवंबर की लास्ट डेट दी गई थी। हालांकि ये लास्ट डेट भी UGC की तरफ से ही डिसाइड की गई थी कि सभी इंस्टीट्यूशंस को 30 नवंबर तक न्यू एडमिशन्स चालू रखने हैं।
लेकिन दोस्तों उसके बाद में 30 नवंबर के बाद में इग्नू की तरफ से आपके एडमिशंस बंद कर दिए गए और अभी UGC की तरफ से ये नया पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आपके न्यू एडमिशंस के लिए जो 30 नवंबर की लास्ट डेट थी उसे अभी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया। सो दोस्तों अगर इग्नू इस नोटिफिकेशन को समझता है, इस नोटिफिकेशन को मानता है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स जुलाई 2020 सेशन के लिए अपना एडमिशन करवाएंगे उन सभी के यहाँ पे 6 महीने बर्बाद होने से बच जाएंगे और वो सभी अपने एग्जाम्स जून 2021 में दे पाएंगे। इसके अलावा अगर इग्नू इसको नहीं मानता है, क्योंकि ना मानने के पीछे भी एक रीज़न है कि जल्दी ही इग्नू की तरफ से जनवरी 2021 सेशन, जनवरी 2021 सेशन के न्यू एडमिशन्स भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप जुलाई 2020 सेशन में, जुलाई 2020 सेशन में अपना एडमिशन करवाते हैं तो आपके एग्जाम्स जून 2021 में कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन अगर जनवरी 2021 में आप अपना एडमिशन करवाएंगे तो आपके एग्जाम्स दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो इसकी वजह से आपका यहाँ पे 6 महीने का लॉस हो सकता है। सो अभी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इग्नू इस नोटिस को मानता है या नहीं मानता। अगर मानेगा तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं मानेगा तो आप सभी का यहाँ पे 6 महीने का लॉस हो सकता है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी सितंबर अक्टूबर में अपने टर्म एंड एग्जाम्स दिए थे और उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, जो कि नेक्स्ट हायर क्लास में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 नए नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सअप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरा चैनल विजिट करते रहिए या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।